अगर आप अपने परिवार के साथ आगरा भ्रमण का मन बना चुके हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आपको इस मार्गों की टिकट लेने के लिए कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल है इस मार्ग के अंदर प्रवेश करना, क्योंकि जैसे ही आप टिकट के लिए विंडो पर पहुंचेंगे तो आपके सामने ही एक QR कोड स्कैन करने के लिए बोला जाएगा। परेशानी की वजह ये QR कोड नहीं है, बल्कि स्कैन होने के बावजूद भी पेमेंट ना होना है। टिकट खरीदते समय सर्वर डाउन होने की वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा, जिस कारण आपको घंटों इंतजार करना पड़ सकता है और आपका स्मारक भ्रमण बोरिंग में बदल सकता है, क्योंकि सभी स्मारकों के प्रवेश द्वार पर अलग अलग QR कोड लगे हुए हैं, जिनको स्कैन करके आपको पेमेंट करना होता है। इसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश मिल सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान सर्वर डाउन होने की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है, जिस कारण लोगों को घंटों स्मारक के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं दूर दराज इलाकों से आए लोगों को मायूस ही वापस लौटना पड़ रहा है। मेरा नाम इमरान शेख है। समस्या ये है कि आधे घंटे से एक घंटे से हम ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं जा रहा है। हम महाराष्ट्र से खास घूमने के लिए आए थे, ताजमहल बंद है, ये चालू है बोले इसके लिए इधर आए, लेकिन एक डेढ़ घंटे से हम धूप में परेशान हो रहे हैं, लेकिन कैश नहीं हो रहा। ये देखो मोबाइल बार कोड से जा रहा नहीं साहब, सभी के तुम किसका भी चलो। मेरा नाम अनुराग दुबे है, मैं आया हूँ इटावा से। देखिएगा, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें टूरिज्म को ओपन किया है, इसमें ASI जो कोरोना को अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने PayU के साथ टाई अप किया है, जिसमें ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर डिजिटल पेमेंट लगातार नहीं हो रहा, मैनुअल कोई किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर मैनुअल टिकट दी जाए, जिसकी वजह से पर्यटक लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर भीड़ का जमावड़ा होता चला जा रहा है। पेमेंट QR कोड से नहीं हो पा रहा है, और इसमें एक ही नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। शायद मैं भी हो सकता है कि ASI का जो सर्वर है वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। अगर ऑनलाइन पेमेंट के लिए अगर आपने बनाया तो सर्वर को कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे कि भीड़ से बचा जा सके। अब इस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया।